चालू कर दिया। फ्रेंड्स, ये वीगा का रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर है। आज आपको इसके बारे में, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, कॉन्फिगर कैसे करते हैं और डिस्प्ले में टू डिस्प्ले कैसे शो करते हैं, इसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। टेम्परेचर और लेवल को परसेंटेज कैसे करते हैं, इसके बारे में, इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटर करने के लिए एक बार ओके बटन दबाना पड़ेगा, और जब इसका नया इंस्टॉलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज पूछेगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश या जो लैंग्वेज आपको आता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको इंटर किया और सेटअप में आया, ठीक है, एक बार प्रेस किया, फिर दोबारा प्रेस किया। मेजरमेंट, लूप नेम, डिस्टेंस यूनिट है सबसे पहले, यूनिट चेंज, यूनिट में क्या एमएम डालना है। एमएम को अगर आपको चेंज करना है, मीटर में कर सकते हो, इंच में कर सकते हो, फुट में कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ये बटन प्रेस करके, जैसे मीटर में करना है तो ये हमने मीटर में कर दिया, अब ये मीटर में हो गया। तो एमएम में करना है तो ये मैं एमएम में आया, एमएम को एंटर कर दिया, अब इसका डिस्टेंस यूनिट एमएम सेट हो गया है। टाइप ऑफ मीडियम, आपको अगर बॉयलर पर जैसे काम कर रहे हैं, भूसी या कोयला ये सब आता है, तो इसके लिए टाइप ऑफ मीडियम में जाना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, फिर से इसको इंटर करना पड़ेगा। और लिक्विड, अगर इसमें लेवल भी चेक करना है तो लेवल भी चेक हो सकता है। बल्क एंड सॉलिड्स है तो इसके लिए बल्क एंड सॉलिड्स है, ये जैसे भूसी है और कोयला है या कुछ राख टाइप का है, ऐसे वैसे ये सब इसमें हो जाएगा। तो हमने बल्क एंड सॉलिड्स किया है, तो एक बार इंटर कर देंगे, बल्क एंड सॉलिड्स सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे आते हैं, ये वेसल हाइट, वेसल हाइट को अब इंटर करते हैं। वेसल हाइट टोटल, जितना आपका टोटल हाइट मेज़र करना है, जैसे कि 6000 mm मैंने डाला है, मतलब 6 मीटर तक मुझे मेज़र करना है, तो ये 6000 mm डाल दिया है, ठीक है। इंटर कर देंगे, एडिट, इसको 6000 mm को अगर 5000 करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करिए और ओके करिए, ठीक है। इससे आप एडिट कर सकते हैं, अगर ये 5.5 करना है इसमें, मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, 1, 2, 3, 4 करना है, 6004 करना है तो 6004 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेट हो गया, सेव हो गया, बट हमें इसका 6000 ही करना है। तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसको डाउन प्लस बटन प्रेस करते करते ज़ीरो करना है, 9, 0, तो 6000 हो गया, ओके कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। अब इसकी ये हाइट हो गई। अब डिस्टेंस ए क्या होता है इसके बारे में आइए बताते हैं। ये डिस्टेंस ए आपका जो मैक्सिमम हाइट है, ये ऊपर से इतना छोड़ के बताएगा, ठीक है, कि आपका जैसे कि 90% लेवल है तो आपका एक्चुअल में तो 90% लेवल है। तो इसमें मैंने 500 mm डाल दिया है, तो 500 mm पहले ही ये जो है हमारा लेवल 100% बता देगा, ठीक है, ताकि हमारा ओवरफ्लो ना हो, कोई चीज़ बाहर ना गिरे, इसलिए इसको हमने 500 mm या 1000 mm इसको डाल सकते हैं, ठीक है। एडिट करना है तो 500 को 600 mm भी कर सकते हैं आप, यहाँ ऐसे जाएंगे, 5 के बाद जैसे है 700 करना है तो ओके कर देंगे, 700 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे 500 ही करता हूँ, इंटर कर दिया। अब एक बार एस्केप आते हैं। अब डिस्टेंस बी में, ये डिस्टेंस बी को अगर आपको करना है तो ये प्रेस करेंगे, डिस्टेंस बी मिनिमम वैल्यू, ये आपका नीचे से जो है, ठीक है, जैसे कि मैंने 6000 mm टोटल हाइट डाला है, तो ये नीचे से जो है 5500 जो है वो ऊपर से नीचे चल रहा है, तो 500 mm आपका छोड़ के ये मेज़र करेगा, ठीक है। नीचे से 500 mm खाली रहेगा तो आपका ये खाली बता देगा, ठीक है। 500 mm मान लो कि माल आपका भरा हुआ है, मान लो कि एक यहाँ पे 1000 रहता या 4-5000 रहता, तो 1 मीटर पहले ही आपका ये बता देगा कि ये माल खाली हो गया है। तो इसको आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार एडिट कर सकते हैं, 5500 है, ठीक है, इसे हमें सेव करना है, ओके कर दिया। तो ये देखिए सिंबल भी बना है। अब आते हैं, ठीक है, डिस्टेंस यूनिट
इसका आपका ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्सटेंडेड सेटिंग में आते हैं। एक्सटेंडेड सेटिंग में आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, रूमर, केल्विन, जो कुछ भी है। रूमर तो नहीं होगा इसमें, सेंटीग्रेड, फारेन, केल्विन है, तीन सेटिंग मिल रही है। जिसमें आपको करना है उसमें कर सकते हैं, फारेन डिग्री, फारेनहाइट में, केल्विन में, सेंटीग्रेड में। तो हमें इसको सेंटीग्रेड में ही करना है। ओके कर दिया, सेंटीग्रेड में ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद डैम्पिंग, डैम्पिंग आपको तीन रखना है, नहीं तो अगर आप डैम्पिंग कम कर देंगे तो डैम्पिंग में क्या होता है कि आपका वैल्यू उतनी सेकंड में रीड कैसे करेगा, वो फ्लैक्चुएसन टाइप कैसे दिखेगा। तो इसलिए डैम्पिंग जो है तीन ही रखना है इसमें आपको। और करेंट आउटपुट 4 to 20 mA, आउटपुट वैल्यू क्या है, परसेंटेज है, हमने अभी आउटपुट वैल्यू परसेंटेज किया है। ठीक है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स 0 to 100 को 4 to 20 में। ठीक है, इसको आपको 0 to 100, 20 to 4 कर सकते हैं, 4 to 20 कर सकते हैं। हमारा इंडिया में जहाँ तक सभी जगह ये 4 to 20 ही मैक्सिमम जगह, 99% जो है 4 to 20 को ही यूज़ करते हैं 0 to 100 में। ठीक है, तो ये कर सकते हैं इसको। हाँ, इसको आप सेट करने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं, ऊपर अप डाउन करके कर सकते हैं। तो 4 to 20 पे ही आपको भी सिलेक्ट करना है। और करंट रेंज जो है 4 to 20 है यहाँ पे। ठीक है, 4 to 20 है यहाँ पे, इसको मैंने सेट किया है। ठीक है, बिहेवियर इन केस फेलियर, अगर किसी कंडीशन में आपका फेल होता है तो 3 to 6 mA पे जो है ये आपका अलार्म आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम 3.6 और मैक्सिमम 21 mA पे। ठीक है, ये फेल बताएगा, तो मतलब कि वैल्यू ओवर बताएगा आपको। ठीक है, लिनियराइजेशन में है, लीनियर, लीनियर ये सब है, यूजर प्रोग्रामेबल, तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। स्केलिंग में आ गया, स्केलिंग वेरिएबल फॉर्मेट स्केलिंग है, इसका भी कोई काम नहीं। डिस्प्ले में आते हैं, नेक्स्ट आपका डिस्प्ले आते हैं। डिस्प्ले में आप क्या कर सकते हैं, ये लैंग्वेज अगर आपको किसी वजह से चेंज हो गया तो ये डिस्प्ले में लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इंग्लिश किया, फ्रेंच किया, तो इस प्रकार आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तुर्की, तो ये हमें डिस्प्ले में इंग्लिश ही लैंग्वेज चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे मैंने ओके किया। अभी हमारा लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, जब तक आप दूसरे में नहीं देखेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि आपको अब एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे दो डिस्प्ले दिख रहा है, एक परसेंटेज दिख रहा है और एक टेम्परेचर भी दिख रहा है, दोनों एक साथ दिख रहा है। किसी किसी में होता है कि ये केवल आपका लेवल अकेले दिखता है, किसी किसी में होता है टेम्परेचर दिखता है। तो आपको दोनों डिस्प्ले लाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ओके करना है, एक्सटेंडेड सेटिंग में आना है, इसको ओके करना है, डिस्प्ले में आ गए, ओके करिए इसको। और ये देखिए डिस्प्ले वैल्यू वन में हमने क्या किया है, परसेंटेज किया है, लीनियर परसेंटेज, फिलिंग हाइट, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, हाइट भी बताएगा, डिस्टेंस भी बताएगा, जो रेंज डाले हैं वो मान लो 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ये डिस्टेंस बता सकता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे परसेंटेज ही हम लोग करके चलते हैं, लेके चलते हैं, तो हम इसको परसेंटेज पे ही सेट किए हैं। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू टू में टेम्परेचर, हमें इसका लेवल और टेम्परेचर दोनों देखना है, तो इंटर किया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर में आपका जो है करंट आउटपुट भी, ठीक है, आउटपुट करंट क्या ले सकते हैं 4 to 20, और दोनों में परसेंटेज भी ले सकते हैं, फीलिंग हाइट भी ले सकते हैं। तो दूसरे वाले में मुझे टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर मैंने ओके किया है, स्केप करके बाहर आते हैं। और ये लाइटिंग है, लाइटिंग को ऑन रखना है। ठीक है, इसको ऑफ कर सकते हैं, कुछ दिखेगा नहीं, तो लाइटिंग को ऑन रखिए, सही है। ठीक है, और हाँ, इन दोनों डिस्प्ले को अगर आपको फ्रंट में लाना है तो ये बटन प्रेस करिए, ग्राफ में आइए, टू मेजर्ड वैल्यू है यहाँ पे, टू मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो मेजर्ड वैल्यू जो करंट आपका आ रहा है, सिंगल डिस्प्ले आएगा, ठीक है, मीन्स प्लस वी ग्राफ, ये दोनों आएगा, और टू मेजर्ड वैल्यू जो करंट वैल्यू जो आपका दिख रहा है करंट में अभी, ये वो आएगा। तो हमें दोनों डिस्प्ले को देखने के लिए टू मेजर्ड वैल्यू में करेंगे, तो हमारा टेम्परेचर और उसका लेवल दोनों एक साथ दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी सेटिंग
कर सकते हैं, और टाइम और डेट सेट करने के लिए यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। 6 जुलाई है जो टाइम हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है आपका। तो इस प्रकार आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वीगा का रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर है, इसका मेरा एक वीडियो ऑलरेडी जो है बनाया हूँ, इसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, इसको हम लगाते कैसे हैं, कितने एंगल में लगाते हैं, ठीक है, और इसके नीचे कैसे होता है, ये सब के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। डिस्प्ले कैसे ओपन क्लोज़ करते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।